अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है कीमा आलू। और 1 kg हम लोगों ने कीमा लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। 1 tablespoon रेड पेपर हम लोगों ने लिया है और 1 tablespoon ही हम लोगों ने यहाँ पर जो सी हल्दी है, हल्दी पाउडर और नमक भी हम लोगों ने तकरीबन 1 tablespoon लिया है। लेकिन ये आप अपने टू टेस्ट, अपने हसबे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने प्याज और ये लहसुन अदरक का पेस्ट एज यूजुअल यू नो। तो विद दिस 3 इन्ग्रीडियंट्स वी विल स्टार्ट आवर रेसिपी। हम लोगों ने जो से हैं प्याज पहले रख देने हैं। प्याज और कीमा और ये सब चीज़ें एक साथ ही डाल के हम लोगों ने पकने के लिए रख देनी है। और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी तकरीबन हम लोग एक ही चम्मच डालेंगे। 1 tablespoon हम लोग इसके अंदर जो होता है लहसुन का वो पेस्ट डालेंगे। सब कुछ चीज़ें डाल के अच्छी तरह हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे। एक उबाल आने के बाद, क्योंकि कीमे को ज़रा गलने में टाइम लगेगा, कीमा इतने में हमारा गल जाएगा और इसी दौरान हम लोग जो से आलू वो काट के अपने हम लोग रख लेंगे। और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाते जाएंगे कि मज़ेदार से जो से आलू कीमे की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर कुकिंग। अभी बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने तमाम तर चीज़ें जो सी हैं सब कुछ डाल दिया है। प्याज भी और मैंने जो टमाटर हैं वो भी 3 से 4 तो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 1 cup जो सा है वो मैंने पानी का डाल दिया है। और अब इसको हम लोग उबाला दिला रहे हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम, ताकि जो नमक मिर्च डाली है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारा कीमा है वो टेस्टी सा तैयार हो जाए। इसके अलावा हमारे पिछले दिनों में, मतलब 2-4 दिन पहले थी जो सी एनिवर्सरी थी हमारे चैनल की, तो हमें सब बहन भाइयों ने बहुत सी अपनी मतलब नेक तमन्नाओं का इजहार किया, हमें विश किया और हमारे चैनल के लिए अपनी जो सी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके साथ साथ बहुत से बहन भाइयों ने हमें कहा, मैसेज किया या हमें कहा उन्होंने कमेंट्स के थ्रू कि अगर कोई हम आपको गिफ्ट भेजना चाहे, कोई चीज़ तो आपको चाहिए हो तो आप हमें बताएँ, हम आपको देना चाहते हैं। तो हम आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों के प्यार का। हमें कोई नहीं, बस हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें किसी गिफ्ट, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, हमारी रेसिपीज़ को शेयर करते रहें, यही आप लोगों का प्यार है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा है पानी, वो उसको उबाल आ गया है, वो पकना शुरू हो गया है। तो अब इसको हम लोग ढक कर रख देते हैं और फिर कुछ देर के बाद आपको दोबारा दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी हमारे आलू कीमे की रेसिपी है जो आप लोगों के सामने हम तैयार कर रहे हैं वो कैसे फ़ाइनल होगी। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि एक तो ये मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों ने जो हमें कमेंट्स किए हमारे चैनल के लिए, दुआएँ दी और मतलब हमें इतना अप्रिशिएट किया। और दूसरा ये भी आप हमें बताएं कि आप लोग के रमज़ान के जो से रोज़े हैं वो कैसे गुजर रहे हैं, आप लोग के यहाँ गर्मी है या बारिश हो रही है और क्या किसी को रोज़ा तो नहीं लग रहा, तो वो भी आप हमें मतलब अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी हमें बताएं कि आप लोग के रोज़े कैसे गुजरे और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। यह हांडी भूनने लगे हैं हम लोग और इसी दौरान हम लोगों ने जो से हैं आलू वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। तो कीमा हम लोगों ने पानी डाल के, नमक मिर्च, वो तमाम सारे स्पाइसेस जो भी आपके सामने मैंने दिखाए थे वीडियो के शुरू में, अगर आप वीडियो को पूरा देखा तो आपको उनकी मिकदार का पता होगा और आपको ये भी पता होगा कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल की हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत आसानी आप अपने घर में बना सकते हैं। जो किचन में मौजूद होते हैं मसाले वही हमने इस्तेमाल किए, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समय ना लगे। सबको बहुत पसंद होता है कीमा आलू, तो आप इसको ईजीली बनाएं रमज़ान के दिन है, मतलब इसको बना कर आप लोग रख लें, सहरी में खाएँ या रात के खाने में, आप जैसे आपका दिल करे आप इस रेसिपी को बनाएं, तो बहुत ही ईजी ये रेसिपी है। आलू भी हम लोगों ने डाल दिए, हम इसको भून भी लेंगे। इसी तरह जो से आलू हैं वो हाफ कुक हो जाएंगे, बाकी जो से होंगे वो दम में हो जाएंगे, हम उसके बाद में दम पर रख देंगे। तो आलू की शेप आप देख सकते हैं, हमने बहुत छोटे छोटे से आलू नहीं काटे, बड़े साइज़ के काटे क्योंकि ताकि फिर वो अंदर घुल ना जाए। मुझे खुद आलू कीमा बहुत पसंद है और आज हम लोगों ने यही फाइनल किया कि हर घर में रोज़ एक सवाल किया जाता है क्या बनेगा, तो सुबह हमारे घर में यही हो रहा था क्या बने, तो आज हम लोग यहाँ पर आलू कीमा बना रहे हैं, मुर्ग पुलाव बना रहे हैं और यहाँ पर आलू कीमे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पानी सूख जाए फिर उसके अंदर हम लोग घी डालते हैं, पानी खुश्क होने का वेट करते हैं अभी और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये तो मेरे पानी खुश्क हो गया, तो हम लोग उसके मोल के अंदर शामिल कर लिए, अच्छे से इसको भून लेंगे हम और बहुत ही मज़ेदार से जो से हमारी आलू की मेरी रेसिपी वो तैयार हो जाएगी।
हम लोगों ने आलू थोड़े ज़्यादा डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि आलू हमें पसंद है और आलू अच्छे भी लगते हैं। अगर आप चाहें तो उसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज की जो बेसिक रेसिपी है वो हमारी आलू की मेकी, तो आलू की ही हम लोग बना रहे हैं, मटर हम उसमें शामिल नहीं कर रहे। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। व्यूअर्स, आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना है, अपनी फीडबैक देनी है कि मज़ेदार से जो उनसे आलू मेकी रेसिपी है वो कैसे लगेगी आपको। इसको भूनने के बाद हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर पानी डालना है और उसके हम लोग पकने के लिए इसे रख देंगे। मेरी अपने देखने वालों से ये भी एक मतलब गुजारिश है कि मतलब घर की जो खवातीन है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान है, रोज़े की हालत में वो कुकिंग कर रही होती हैं, और अगर किसी से कोई नमक मेरे से कम रह जाए किसी के खाने में, तो आप लोग मतलब अपनी वाइफ या अपने घर वालों के साथ लड़े नहीं, तो आप मतलब कंप्रोमाइज़ करें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि उन्होंने रोज़े की हालत में जहाँ रोज़े की उन्होंने नेकी को कायम रखते हुए अपने जो सा उनका है उसको फ़र्ज को अदा किया है, रोज़े को, नमाज, रोज़ा, और उसके साथ उन्होंने घर के फैज को भी अंजाम दिया है, तो वहाँ पे आप लोग उनके साथ लदमी करें, भैया इख्तियार करें, बजाय इसके कि आप लड़ना शुरू कर दें कि नमक कम है, मिर्च कम है, या जायका सही नहीं बना, खाना सही नहीं बना, तो वो रोज़े की हालत में आपके लिए खाना बना ही रही हैं, यही बहुत है। तो घी इसके ऊपर तकरीबन आ गया, तब हम पानी डाल के को अभी थोड़ा सा कर लें, अच्छे से भून लें, ताकि इसका जो सब की बनाई जितनी अच्छी होगी इतनी अच्छी रेसिपी तैयार होगी। तो फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसको रख देते हैं। तो फिर बस आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, देखना मुझे दाल से जो आलू की रेसिपी वो कैसे। तो हम लोगों ने इसमें पानी डाल दिया, उसको पकने के लिए हम लोग ढक कर रख देते हैं। तो फिर 5 से 10 मिनट के बाद आपको दोबारा दिखाते हैं, ताकि जो आलू में कसर है वो बस हमारी आज की जो रेसिपी वो फाइनल हो चुकी है। लास्ट में हम लोगों ने इसके ऊपर धनिया हरी मिर्च डाल दिया, इसको गार्निश कर लिया, तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, देखने में कितना अच्छा इसका लुक लग रहा है, खिला खिला सा सालन है, कितना खुश रंग और खुश जायका है ये सालन बना। तो अब इसको हम लोग डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए आप लोग हमारी रेसिपी फाइनल हो चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर हम लोगों ने धनिया हरी मिर्च डाल के लास्ट पे इसको फाइनल किया है, और आलू जो से वो भी गल गए हैं, जो घी की तरह है वो भी आप लोग देख सकते हैं साइड पे आ गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद है, कि पसंद है हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।